हमारे देश में एमएसएमईज 45% रोजगार देती है, 6500 आइटम तो सिर्फ ही एमएसएमईज ही मैन्युफैक्चर करती है, अराउंड 50% एक्सपोर्ट्स इन एमएसएमईज के थ्रू ही होता है और टोटल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इन लोगों का अराउंड 10% है। तो इसीलिए गवर्नमेंट को पता है जब तक एमएसएमई का चक्का चल रहा है तो हमारी इकोनॉमी भी चल रही है, इसीलिए एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बहुत सारी स्कीम्स निकालती रहती है अलग अलग एस्पेक्ट्स में। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की बात करूंगा और अगर आप एक्सपोर्टर हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि 50% एक्सपोर्ट सिर्फ एमएसएमईज के थ्रू ही होता है, तो कहीं ना कहीं मेजोरिटी ऑफ एक्सपोर्टर्स जो है वो एमएसएमई की कैटेगरी में ही आते हैं। और अगर आप एक्सपोर्टर हैं और फाइनेंशियल हेल्प की खोज में है तो ये वीडियो आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। मैं आप लोगों को उन सारे फाइनेंशियल टूल्स के बारे में बताऊंगा जो कि हमारी गवर्नमेंट आप लोगों को प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ एक दो प्राइवेट एनबीएफसीज की भी बात बताऊंगा। और अगर आप लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप लोग फाइनेंशियल हेल्प इन इंस्टीट्यूशन से उठा सकते हैं, किस तरीके से ये इंस्टीट्यूशन कौन कौन सी स्कीम्स चलाती हैं जिससे कि आप लोगों को फाइनेंशियल हेल्प मिल सके एक्सपोर्ट करने में, अगर आप शुरू करना चाहते हैं या शुरू करने के बाद प्री हो चाहे पोस्ट हो, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपांगर और आप सभी देख रहे हैं स्केल पे, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे कॉमन चीज़ की जो कि है बैंक। बैंक से आप जाके एक्सपोर्ट बैंक से आप जाके एमएसएमईज के अंडर में लोन ले सकते हैं। अगर आप लोग सारी डॉक्यूमेंटेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेते हैं तो बैंक भी है जो आप लोगों को एक्सपोर्ट्स के लिए लोन देती है। एक्सपोर्ट के लिए इनफैक्ट सारे इंस्टीट्यूशन हमारे देश के जो हैं वो कहीं ना कहीं सपोर्ट में आती हैं, क्योंकि जब भी आप एक्सपोर्ट करते हैं तो फॉरेन करेंसी इंडिया में आती है और हमारा ट्रेड डेफिसिट नीचे की तरफ जाता है। प्राइवेट बैंक से ले सकते हैं, सरकारी बैंक से ले सकते हैं, क्राइटेरिया आप लोगों को फुलफिल करना है, एलिजिबिलिटी आप लोगों को फुलफिल करना है। तो सबसे पहले मैं आप बैंक में बैंक्स में ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद आप ट्राई कर सकते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक यानी एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया। एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया एक स्पेसिफिक बैंक है जो एक्सपोर्टर्स के लिए बना हुआ है, इंपोर्टर्स के लिए बना हुआ है। अगर आप किसी भी तरह का एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑपरेशंस कैरी आउट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं एक्सपोर्ट्स के लिए, मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं, मार्केट से खरीद के एक्सपोर्ट करते हैं, मार्केट से रॉ मटेरियल खरीदते हैं या किसी भी तरह की और हेल्प चाहिए फाइनेंशियल, तो आप इस बैंक को अप्रोच कर सकते हैं, फिजिकली जाके विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, उस वेबसाइट में जाके विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इस टाइम पे पर्टिकुलर टाइम पे ये बैंक कौन कौन सी स्कीम्स चला रही है, कौन कौन सी फाइनेंशियल स्कीम्स चला रही है जो आपके काम आ सकती है। मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि आप बैंक में जाके लोन ले सकते हैं, एमएसएमईज से लोन ले सकते हैं, और अगर आप लोगों को किसी भी करंट स्कीम के बारे में पता करना है कि एमएसएमईज के लिए कौन कौन से फाइनेंशियल स्कीम्स इस टाइम पे गवर्नमेंट चला रही है तो आप msme.gov.in पे जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएगा। एमएसएमईज के अंडर आप लोग बैंक से काफ़ी कम इंटरेस्ट पे लोन उठा सकते हैं अगर आप लोग क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी फुलफिल कर पाते हैं। जनरली उन लोगों का जो क्राइटेरिया वो होता है ITR होता है और 2 साल की बैलेंस शीट होती है। ये एक मैंडेटरी क्राइटेरिया होता है किसी भी लोन को अप्रूव करने के लिए। अगर आप इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट लोन लेना चाहते हैं बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए, तो ये जनरली आप लोगों को चाहिए होता है किसी भी लोन के लिए अप्लाई करने से पहले। थर्ड है APC यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। आप अपने अपने रेस्पेक्टिव एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स में भी जाके पता कर सकते हैं कि वो इस टाइम पे कौन कौन सी फाइनेंशियल स्कीम्स चला रही है, फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम्स चला रही है। अगर आप लोगों को अपना एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल नहीं पता, आपके प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल नहीं पता, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं सारे के सारे गवर्नमेंट वेबसाइट्स का, सारी की सारी सरकारी वेबसाइट का लिंक दूंगा। आप वहां पे जाके अपने प्रोडक्ट का स्पेसिफिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल चेक कर सकते हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाया ही इसलिए जाता है ताकि एक एक पर्टिकुलर आइटम को एक्सपोर्ट करने के लिए ये काउंसिल आप लोगों को हेल्प कर सके। ये डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स चलाती हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, कई तरह के आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है यहाँ से, कई तरह के बायर्स की इन्फॉर्मेशन मिलती है, कई तरह के कंट्रीज की मार्केट की इन्फॉर्मेशन मिलती है, साथ साथ फाइनेंशियल सपोर्ट भी ये APCs जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करती हैं। तो आप लोग इन लोगों को फिजिकली भी विजिट कर सकते हैं या रेस्पेक्टिव APCs की वेबसाइट में जाके देख सकते हैं कि इस टाइम पे कौन कौन सी फाइनेंशियल स्कीम्स ये लोग चला रहे हैं। इसके अलावा पांचवा जो स्कीम है वो है मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम। इसके बारे में आप लोगों को ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि ये जो है ना ये फोकस मार्केट फोकस प्रोडक्ट पर काम करता है। ये जनरली बड़े इंस्टीट्यूशन जो है हमारे इंडिया के जैसे कि IITs IIMs इनको ज़्यादा हेल्प करती है, इनको ज़्यादा ये प्रमोट करती है ताकि ये लोग जो है एक पर्टिकुलर आइटम का प्रोडक्ट किस तरीके से एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए, किस तरीके से एक पर्टिकुलर मार्केट को रीच आउट किया जाए, किस तरीके से एक पर्टिकुलर मार्केट को रिसर्च किया जाए, एक थोड़ा सा उसको अच्छे से उस पर्टिकुलर मार्केट में किस तरीके से हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, इन चीज़ों को हेल्प करने के लिए। तो अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो ये कंप्लायंस पर्सपेक्टिव पे आपकी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं। ये जनरली इन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के लिए बनाया गया था, तो जो इंडिविजुअल एक्सपोर्टर है वो उसके लिए ज़्यादा काम नहीं आता। अगर आप बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं तो कहीं ना कहीं आपके ये स्कीम काम की है। फिफ्थ है जो फिफ्थ और सबसे इंपॉर्टेंट वो है LC डिस्काउंटिंग क्या होता है। LC डिस्काउंटिंग के मेजर दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्री शिपमेंट फाइनेंस, एक होता है पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस काफ़ी ईजी होता है लेना बैंक से,
प्री शिपमेंट फाइनेंस थोड़ा सा मुश्किल होता है। पहले प्री शिपमेंट फाइनेंस की बात करूंगा। प्री शिपमेंट फाइनेंस के अंदर मैं आप लोग किस तरीके से अपने एक्सपोर्ट के बेसिस पे पहले ही बैंक से एज अ वर्किंग कैपिटल थोड़ा अमाउंट उठा सकते हैं। प्री शिपमेंट फाइनेंस को पैकिंग क्रेडिट भी कहते हैं। ये जनरली अगर आप जिस बैंक में आपका LCI है वो बैंक आपको प्रोवाइड करता है। इसका एलिजिबिलिटी थोड़ा सा मुश्किल होता है, इस लोन को ले पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आपके पास ऑर्डर आया है तो एक वर्किंग कैपिटल के लिए इस लोन को लिया जाता है। आपको मार्केट से रॉ मटेरियल खरीदना या मैन्युफैक्चरिंग में काम लगाना है तो उसके लिए भी बैंक से प्री शिपमेंट फाइनेंस यानी पैकिंग क्रेडिट देती है। उसके लिए एलिजिबिलिटी वही सेम, ज़्यादातर एलिजिबिलिटी वही रहती है कि आपके पास एक ऑर्डर आया हुआ होना चाहिए। इसमें एक चीज़ ऐड हो जाता है कि आपके पास बाहर से एक ऑर्डर आया हुआ होना चाहिए एक्सपोर्ट का, और आपका अगर ऑलरेडी जो हिस्ट्री है एक्सपोर्ट का और ऑलरेडी जो आपकी क्रेडिबिलिटी वो अच्छी है तो आप एक नॉन कोलेट्रल रोल है ये, एक्सपोर्ट के बेसिस पे इस लोन को आप ले सकते हैं। काफ़ी कम इंटरेस्ट पे ये आपको जो क्रेडिट है वो मिलता है, पैकिंग क्रेडिट के नाम से। सरकारी बैंक्स भी देती है, NBFCs भी देती है। पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे एक्चुअल में LC डिस्काउंटिंग आता है। LC डिस्काउंटिंग क्या होता है, जब आपने कोई शिपमेंट एक्सपोर्ट करी होती है LC के बिहाफ पे और आपकी शिपमेंट FOB हो जाती है यानी यहाँ से निकल चुकी होती है एक्सपोर्टर के लिए, तो आप अपने आपके जिस बैंक में वो LC आया हुआ है उस बैंक में जाके बोल सकते हैं कि ये जो LC का टर्म है ये 60 डेज बाद मेरे पे पेमेंट आने वाली है, तो मुझे वर्किंग कैपिटल के लिए थोड़ा सा लोन चाहिए, थोड़ा सा पैसा एडवांस में चाहिए। तो वो जो पर्टिकुलर बैंक है वो इशूइंग बैंक से कन्फर्मेशन लेने के बाद एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो आपको एडवांस में दे सकती है, ताकि आप आपका जो वर्किंग फ्लो है वो चलता रहे, जो आपका कैश फ्लो है वो आपके हाथ में रहे और आपका जो दूसरे ऑर्डर है आप उस पर कॉन्सेंट्रेट कर सके, उसमें थोड़ा पैसा लगा सके। इसके अलावा अगर मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात करूँ तो आज के डेट में बहुत सारे इंडिया में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी है जो कई तरह के आपको फाइनेंशियल टूल्स प्रोवाइड करते हैं काफ़ी अच्छे इंटरेस्ट रेट पे। MSMEs को फोकस करते हुए इनमें से ज़्यादातर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं NBFCs हैं ये ज़्यादातर MSMEs को फोकस करते हुए MSMEs जो बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे जो फाइनेंसिंग है ना वो एक्सपोर्ट के बेसिस पे प्रोवाइड करती है, जिसमें कि LC डिस्काउंटिंग भी होता है, इनवॉइस डिस्काउंटिंग, इनवॉइस फैक्टरिंग भी कहते हैं। मतलब आपने किसी आपको आपने वो कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, तो आप जैसे LC के बिहाफ पे LC डिस्काउंटिंग करके अपने बैंक से फाइनेंस उठा सकते हैं, वैसे ही आप इन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस के पास जाके उस इनवॉइस को दिखा के, शिपिंग बिल को दिखा के एक अलग से अमाउंट उठा सकते हैं, और जब आपका वो अमाउंट आ जाएगा तो ये जो है ये लोग अपना अमाउंट सेटल करके आपको बाकी अमाउंट वापस कर देंगे, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो कहीं ना कहीं ये लोग अपने पास जमा रख लेते हैं। कई तरह के इसके क्राइटेरिया होते हैं, कई तरह के आप कितना अमाउंट लेना चाहते हैं उसके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती है। एस्क्रो सर्विस भी कहते हैं, एस्क्रो सर्विस आप अगर ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये बेसिकली मोटा मोटा आप 6-7 जो आपका फाइनेंशियल स्कीम्स थी और फाइनेंस कहाँ से आप उठा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोर्ट, तो ये सारा का सारा फाइनेंसिंग टूल था जो इस टाइम पे आप एज एन एक्सपोर्टर अवेल कर सकते हैं मार्केट से, गवर्नमेंट की तरफ से और प्राइवेट की तरफ से भी। तो अगर अब तक आप लोग वीडियो में बने हुए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कौन सा टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं ये भी नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।